माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जामलो मुकद्दम, उम्र 12 साल, काम बाल मजदूरी, तेलंगाना में मिर्च की खेती में काम करती थी। घर है छत्तीसगढ़ के बस्तर में। देश में लॉकडाउन चल रहा है, काम चला गया, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में माँ बाप का चेहरा याद आ जाता है। कोई आशा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, फिर भी चलना शुरू की। लगातार 3 दिन चलने के बाद और चल नहीं सकी, वहीं पर बेसुध होकर गिर पड़ी। उसके बाद और क्या, ये पूरे भारतवर्ष में जानने के लिए बाकी नहीं रहा। देखते ही देखते मेरे जैसे और भी बहुत असहाय प्रवासी मजदूर हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। 2 सूखी रोटी खाकर या 2 दाना खाकर। बहुत सारे मजदूर रास्ते में ही मर गए, कुछ रोड पर, कुछ रेल लाइन पर, तो कुछ रोड एक्सीडेंट में। घर पहुंचने का सपना और पूरा ना हो सका, लेकिन उनकी आत्मा कभी मरी नहीं, पूरे भारत के आकाश में भटक रही है, जैसे कि मैं भटक रही हूँ। उम्र कम हुआ तो क्या हुआ, बहुत कुछ अनुभव कर चुकी हूँ। ये पूरा भारत वर्ष कहाँ खड़ा है, भारत माता के संतान आज कैसे हैं? सच में अगर लॉकडाउन नहीं होता, हम लोग शायद ये जान ही नहीं पाते, जैसे कि आप भी नहीं। आप हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग किसको बोलेंगे? अपने अधिकार की बात, राइट टू एडुकेशन की बात, राइट टू लीव की बात, राइट टू फ्रीडम की बात, और कितना कुछ। देश भर में कारीगर कितने असहाय हैं। मैं सच बोल रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं भारतवर्ष की गली गली में घूम चुकी हूँ, मैं असहाय हूँ। आप मुझे देख नहीं पाते, बाल मजदूरी जोरों शोरों से चल रही है, सहोहर लोग कम पैसे देकर ज्यादा मजदूरी करवा कर ज्यादा मुनाफा पूरी लूट रहे हैं। भारत माता फूट फूट कर रो रही है। ये रोना रोक सकते हैं सिर्फ आप, हाँ सिर्फ आप, सिर्फ मुंह से नहीं, कैमरे के सामने नहीं। इस देश के प्रशासक होने के नाते सख्त हाथों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या मिला हमें आपसे, अपने प्रधानमंत्री से? मरने के बाद सिर्फ मिला तो एक ही मिला, जामलो मुकद्दम कोरोना नेगेटिव। जीवन मर में सिर्फ यही पॉजिटिव था। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे आत्मा को मुक्ति दीजिए, काम दीजिए, 2 वक्त की रोटी दीजिए और भय मुक्त वातावरण दीजिए। देश को स्वस्थ रखे, आप भी स्वस्थ रहे। नमस्कार, जामलो मुकद्दम, पता भारत।